पर ये तो चैलेंजिंग साल रहा है क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये यूक्रेन वॉर की तरफ से हम लोग का कोयला का दाम तो बढ़ गया था पीछे, एंड थोड़ा स्लो डाउन हुआ था ग्लोबली, तो उसका असर हम लोग को क्वार्टर टू और क्वार्टर थ्री में आप देखिए तो टाटा स्टील का परफॉर्मेंस में असर पड़ा है। उम्मीद है कि Q4 तो उससे बेटर होगा, बेटर है, पर डिटेल तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि हम लोग का रिजल्ट अप्रैल में हम लोग पब्लिश करेंगे उसके बाद। नहीं सर, मैंने लास्ट ईयर एक प्रोडक्शन बोलने से प्रोडक्शन सबसे बेस्ट प्रोडक्शन हुआ है सब जगह में, पर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर हम नहीं बोल सकते। अच्छा सर, एक चीज, पूरे वित्तीय वर्ष को आप किस नजरिए से देखा है? तो अभी पॉजिटिव ये है कि चाइना में कोविड का जो रिस्ट्रिक्शन था वो निकाला है, तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि चाइना में थोड़ा रिकवरी हो रहा है, तो उसका असर हम पर पॉजिटिव है क्योंकि चाइना में स्टील डिमांड बढ़ेगा तो अच्छा है। यूरोप में अभी भी जो यूक्रेन के साथ जो चल रहा है उसी का असर देख रहा है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ा डाउन है, पर फिर भी उम्मीद है कि ये साल पिछले साल से बेटर होना चाहिए ओवरऑल। अभी आने वाले दिनों में हम लोग फोकस करेंगे जो एग्जिस्टिंग साइट्स है उसमें ग्रोथ के लिए, कलिंगानगर तो अभी कुछ सोच नहीं है क्योंकि अभी जितना साइट है उसे हम लोग 40-50 मिलियन तक जा सकते हैं, चल रहा है। अभी आप लोगों को पता है रिसेंटली हम लोग को ऑर्डर मिला है वंदे भारत एक्सप्रेस का इंटीरियर के लिए, हम लोग का बहुत सारे ग्राफीन पर बहुत कुछ काम चल रहा है, फाइबर रीइंफोर्स पॉलीमर में चल रहा है, कॉम्पोजिट्स में चल रहा है, हम लोग मेडिकल मटेरियल्स में काम कर रहे हैं जो हाइड्रोक्सीबिटाइट जो बोलते हैं, तो बहुत सारे नया एरियाज, वो अभी छोटा बिजनेस है पर ये सब हम लोग अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आने वाले दिनों में ईस्टर्न रीजन का एडवांटेज है कि इधर आयरन ओर है, कोयला है, तो इसीलिए नॉर्मली जो स्टील हम लोग इधर बनता है यूजिंग आयरन ओर एंड कोल, पर नॉर्थ वेस्ट साउथ में आयरन ओर नहीं है, नॉर्थ में आयरन ओर नहीं है पर उधर स्क्रैप है क्योंकि बहुत इंडस्ट्री है तो उधर स्क्रैप है, तो इसीलिए हम लोग रोहतक में एक रिसाइकिलिंग फैसिलिटी लगाया था 3-4 साल पहले, अभी चल रहा है, और उसका जो स्क्रैप है वो यूज़ करने के लिए अभी लुधियाना में हम लोग का 0.75 मिलियन टन का एक प्लांट लगा रहा है, काम शुरू हुआ है, 2 साल के अंदर वो प्रोडक्शन शुरू होगा, और सोच ये है कि इसके बाद हम लोग वेस्टर्न रीजन और सदर्न रीजन में भी वैसे एक प्लांट लगाएंगे क्योंकि उसके लिए ज़्यादा लैंड का ज़रूरत नहीं है, 100-150 एकड़ में एक 0.75 मिलियन टन का प्लांट लगा सकता है, जैसे इधर 2-3 हज़ार एकड़ का ज़रूरत नहीं है।